और अगली खबर भी भोपाल से, जहां चयनित शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। चाय, पकौड़ा और पानी पूरी बेचकर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 6 मांगों को लेकर चयनित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2018 के जो उत्तीर्ण के अभ्यर्थी हैं, वो आज युवा दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस दौरान चाय बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये जो अपना विरोध है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या प्रमुख इनकी मांगे हैं और क्यों इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं युवा दिवस, क्या वजह है? आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है, लेकिन हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड डीएड धारियों का एक दुर्भाग्य देखिए कि चयनित सूची में नाम होने के बावजूद, प्रतीक्षा सूची में नाम होने के बावजूद, अतिरिक्त सूची में नाम होने के बावजूद भी यहां से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है, नाम मात्र के पदों पर भर्ती की जा रही है। इसलिए आज हम मजबूरी बस सांकेतिक रूप से ये विरोध प्रदर्शन करने मजबूर हैं और पकोड़े, समोसे, चाय बेचने का आज से हमने रोजगार अपना लिया है। कहाँ तक पढ़े भैया आप? मैं बीए, एमए, बीएड और जितनी क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन होती है सभी